हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपके घर में सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी चाउमीन पे, यानी कि जैसे हम देखते हैं स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन होती है या जो रेस्टोरेंट में चाउमीन होती है, तो वैसे हम घर पर अगर बनाना चाहते हैं जो कि उससे भी अच्छी हो और हेल्दी भी हो। क्योंकि आपको पता है एक्चुअल में जो मैदा होता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है गाइस? तो उसके अकॉर्डिंग हम ऐसी चीज़ बनाएंगे जो कि हम घर पे अच्छे से बना सकते हैं, टेस्ट उसका वैसे ही आए और जो हेल्दी भी हो, ठीक है? तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करके। यहाँ पे मैंने डाल लिया है ऑलिव ऑयल, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले ली है प्याज, ठीक है, और कुछ मैंने यहाँ पे हरी मिर्च भी साथ में काटी हुई थी, और साथ में मैंने यहाँ पे टमाटर भी लिया है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ी सी मैंने इसमें जो है रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दी है, ठीक है जी, ताकि जो हमारा हमें क्योंकि हमें रेस्टोरेंट स्टाइल जो है चाहिए तो वहाँ पे तीखे ही होते हैं ना हर चीज़ें, जो भी फूड वगैरह होते हैं, तो हमें भी वैसे बनाना है। अब देखिए वेजीज आपके पास जो भी हो, ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ डाल देनी है, आपके पास हर सब्ज़ी होनी चाहिए, पत्ता गोभी होनी चाहिए, मटर होने चाहिए, आप दो तीन कोई भी वेजीज डाल सकते हो जो भी कलर वाली हो, लाइक जैसे आप पत्ता गोभी डाल सकते हो, साथ में गाजर को बारीक काट के डाल दो, ठीक है, तो उससे भी आपका जो है चाउमीन वगैरह बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको ढका था ताकि जो हमारा सब्जी है थोड़ा सा पक जाए, ज़्यादा हमें नहीं पकाना बिकॉज हमें क्रंची सा टेस्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ढक्कन रख दिया है। ढक्कन रखने के बाद हमने दोबारा से इसको ओपन किया था, दोबारा से हमने इसको चेक करा था, पक चुका था, फिर मैंने उसमें लाल मिर्ची डाली थी जो कि कलर के डाली थी थोड़ी सी मिर्च, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें कलर भी आ चुका है और अच्छा सा बन चुका है, ठीक है, जितना हमें चाहिए था पकाने के लिए। अभी मैंने इसमें डाल दी है जो कि हमारा मैगी का मसाला होता है। ध्यान रखना है कुछ भी आपने इसमें चाट मसाला कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है, आप जस्ट मैगी मसाला इसमें डाल दीजिए। अच्छा, जो मेरी ट्रिक थी ना, जो मैंने इस वीडियो में जो मैंने आपको बताना था या जो मैंने यूज़ करा है, इससे पहले मैंने कई बार बनाए हैं बैम्बिनो, या आप इसको चाउमिन बोल सकते हो, बैम्बिनो बोल सकते हो, या नमकीन सेविया बोल सकते हो। मैं जितनी बार ही बनाती थी मैं क्या करती थी कि इसको अलग से रोस्ट नहीं करती थी, मैंने वेजेस इसे पक चुकी हैं, ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है बैम्बिनो, ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया पानी, तो वो क्या होता है चिपचिपा हो जाता है। अगर आप पानी कम डालोगे तो वो सूखा सूखा बनेगा, ज़्यादा पड़ जाएगा तो चिपचिपा बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने अलग से पहले हल्का सा इनको रोस्ट करा था, रोस्ट करने के बाद मैंने हल्का सा बॉईल कर दिया था 1 मिनट के लिए, फिर मैंने इसको अलग से प्लेट में बाहर निकाल दिया था सो दैट कि वो अच्छे से खिले खिले हो जाए, पानी उनका सूख जाए। अब मैंने इसमें इसको मिक्स कर दिया है, साथ में मैंने टोमेटो सॉस भी डाल दिया है ताकि इसमें और भी अच्छा टेस्ट आ जाए, ठीक है, तीखापन भी हो साथ में हल्का सा मीठापन भी हो, जैसे कि आपको चाउमीन में आता ही है, ठीक है। ये देखिए अब धीरे धीरे इसमें कलर आने लग गया है, जैसे जैसे ये पकेगा, हमने चाउमीन इसको ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको रोस्ट भी किया था, बॉईल भी हल्का सा कर दिया था, ये हमारा बन चुका है, अब हम इसको सर्व करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ रखा है, इंजॉय कीजिए आप भी इसको, और मैं तो कहती हूँ आप ज़रूर बनाओ घर पे, इसको ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि मैं आगे से अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ, हेल्दी वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि आप लोग हेल्दी देखो हेल्दी खाओ, ठीक है, बाय बाय।